सुबह सवेरे की नमस्कार के साथ प्रस्तुत है रोज के समाचारों से अवगत करने वाले कार्यक्रम समाचार सार में। आइए वीडियो के माध्यम से जानते हैं आज के समाचार पत्रों में क्या छपा है। विदेशी हमलावरों के नाम वाले शहरों, गलियों, सड़कों का नाम बदलने को लेकर वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करने की खबर आज के सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी है। साथ ही वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट की रक्षा मंत्रालय को फटकार। दिल्ली हाई कोर्ट का अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार। शराब नीति घोटाले के आरोपी उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की गिरफ्तारी से दिल्ली के बदले हालात। तीन राज्य मेघालय नागालैंड त्रिपुरा में हुए चुनाव की खबरों पर एग्जिट पोल। केरल विधानसभा बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान हंगामा। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर हाई कोर्ट का आदेश। बिहार में बढ़ रही राजनैतिक गतिविधियां। पंजाब के वर्तमान धार्मिक परिदृश्य में टकराव। चुनाव चिन्ह के झगड़े के बाद महाराष्ट्र विधानसभा सेशन शुरू। उत्तर प्रदेश में कुत्ते पालने वालों के लिए विशेष नियम। नेपाल में बिगड़ते राजनैतिक हालात। गर्मी शुरू होते ही बढ़ती कूलिंग इंडस्ट्री का संदर्भ। छटनी के शिकार भारतवंशियों को अमेरिका का उपहार। उपभोक्ता के हितों के अंतर्गत भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की सख्ती। ये तमाम ऐसी खबरें हैं जो आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी हुई है। हमारे इस प्रस्तुति के संदर्भ में यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ाएगी। आज के लिए इतना ही, बाकी कल तक के लिए अनुमति चाहते हैं। आपसे दिन शुभ हो।